दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू ऐड न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यू बॉर्न बेबी इन योर पॉलिसीज। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे ट्रेनिंग वीडियोस हैं, सारे के सारे मेरे ट्रेनिंग वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, देखिएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भी जो सारे ट्रेनिंग वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं अपने चैनल पर, दैट इज टीम रवि पारिक या टीआरपी टीवी। आप ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। जनरली क्या होता है कि जब आप मीटिंग्स में रहते हो तो आपका थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। आपको फोन भी आ रहा है, आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है और साथ ही साथ आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में कुछ थॉट आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि आप है ना, उन बहुत सारी बातों को आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आपको वो बात पूछना याद नहीं रह जाता और समझना याद नहीं रह जाता और माइंड से भी निकल जाता है। तो इसके लिए ये सारे जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल टीम रवि पारिक पर, दैट इज टीआरपी टीवी। और मैं चाहूंगा आप सेशन के बाद जब आपका ये वीडियो आपको देखने मिलता है तो आप उसको रिविजन के लिए जरूर से देखिए। ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। मैं आपको बताऊं कि जब कोई नई कोई पॉलिसी होती है और उसमें आपको बीच में कोई चेंजेस करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जहां पर रिस्क कवर इन्वॉल्व है। हम यदि बात करें तो ऐसे चीजें का जहां पर कोई कवरेज दैट इज रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ईमेल आईडी चेंज करना, मोबाइल चेंज करना, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना, जेंडर चेंज करना, नेम करेक्शन है, रिलेशन ऑफ नॉमिनी वगैरह वगैरह, इस तरह के चेंजेस हैं, वो सब इजीली इंडोर्समेंट से किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कोई इस तरह का चेंजेस करना है जहां पर कवरेज इज इन्वॉल्व, रिस्क कवर इन्वॉल्व है, जो अंडरराइटिंग मांगती है, ऐसे चेंजेस को करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास में मेडिक्लासिक पॉलिसी है, 6 महीने हो गए और आप बोलते हो मेरे को वो बाकी 6 महीने के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव कर दो, नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के टर्म्स कंडीशन अलग है और एट द सेम टाइम दोनों का रिस्क कवर भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों इस तरह के चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट यदि आपको कैंसिल करना है उस पॉलिसी को और नया पॉलिसी लेना है तो ये काम किया जा सकता है। आप पुरानी पॉलिसी को कैंसिल करोगे और नया पॉलिसी को बुक करोगे, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का आपका कवरेज लॉस होगा और आपका नया पॉलिसी आज से चालू होगा नए कवरेज के साथ, नए प्लान में, ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जो मिड टर्म में आपको एडिशन अलाउ करते हैं, एडिशन ऑफ, स्पेशली मैं यदि बात करूं तो एडिशन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यू बॉर्न बेबी के लिए, इनको हम पॉलिसी के मिड टर्म में ऐड कर सकते हैं, बट नॉट इन ऑल प्लान। किस प्रकार से उनका कवरेज होगा ये सारा हम जानेंगे स्पेसिफिक प्लान्स में। सबसे पहले जो आता है मैं आपको बताऊं, स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। इसके अंदर आपको न्यू बॉर्न बेबी को बीच में मिड टर्म में ऐड करने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपके पॉलिसी में यदि कोई नया बच्चा पैदा हुआ है पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो 16 दिन के बाद आप उस बच्चे को पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे की मदर है उसको उस पॉलिसी में कम से कम 12 मंथ विदाउट ब्रेक होना जरूरी है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी में आप नहीं ऐड कर सकते हैं। आप रिन्यूअल के बाद जब फर्स्ट रिन्यूअल करते हैं उसके बाद सेकंड या एनी टाइम यदि मिड टर्म में बचा हुआ है तो आप उसको ऐड कर सकते हो और उसका कवरेज 16th डे से शुरू होगा आफ्टर एडिशन। यदि मान लीजिए आपने 6 महीने के बाद में बच्चे को ऐड किया तो भी आपका जो कवरेज है वो 6 महीने के बाद ही शुरू होगा। इसमें बच्चे को कवरेज मिलता है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज। मान लीजिए आप बोलते हो कि भैया ना बच्चे आपका 3 लाख का ही पॉलिसी है पर आप बोलते हो मेरे को 50,000 रुपए का कवरेज मिलेगा तो ये गलत होगा। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड मीन्स 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, दैट इज 3 लाख का 10%, 30,000 रुपीज कवर विल बी गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी। एंड यदि समझो किसी का बड़ा पॉलिसी है से 20 लाख रुपए का पॉलिसी है, 10% तो 2 लाख हो रहा है बट मैक्सिमम कवरेज विल बी 50,000 ओनली एंड दैट आल्सो सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ सम इंश्योर्ड।
अवेलेबिलिटी ऑफ सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए क्लेम हो चुका है और सम इंश्योर्ड ही बाकी नहीं है, तो बच्चे को कवरेज कहाँ से देंगे? ओके, सो दिस टाइप दिस वे आप उसके अंदर बच्चे का एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होता फॉर फर्स्ट ईयर, जब आप बच्चे को मिड टर्म में ऐड कर रहे हैं तो उस साल के लिए उतने बचे हुए पीरियड के लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होता। करेक्ट, आप उसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देते हैं और इस पर एक्सक्लूजन कोड 3 भी अप्लाई नहीं होता। एक्सक्लूजन कोड 3 इज वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज, इट डज नॉट अप्लाई। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी का जो है आपको इंटीमेशन देना होगा बच्चे का, दैट इज इन राइटिंग अ लेटर और ईमेल, आपको प्रपोजल फॉर्म भी देना होगा और साथ ही साथ ये बच्चे का नाम यदि पॉलिसी में इंडोर्स होगा तो ही कवरेज होगा। सो इंटीमेशन एंड प्रपोजल फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू द ब्रांच फॉर एडिशन ऑफ चाइल्ड। देयर इज नो ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ द चाइल्ड, दिस एडिशन हैज टू बी डन मैन्युअली। ओके, मैन्युअली करना होगा, जब पॉलिसी में बच्चे का नाम इंडोर्स हो जाएगा तब आपका कवरेज बच्चे का शुरू होता है। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 रुपीज। करेक्ट दोस्तों, देखिए यहां पर बच्चे का अंडरराइटिंग इन्वॉल्व है। मान लीजिए बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशन है और ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी बच्चे को ऐड करने से मना कर सकती है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना है कि इफ देयर इज सम मेडिकल हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड मे बी रिजेक्टेड। दिस वॉज अबाउट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहां पर देखेंगे आप तो मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यू मैरिड स्पाउस, न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यू बॉर्न बेबी इज अलाउड विथ एडिशनल प्रीमियम। यहां पर आपको दोनों के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा तब आपका ऐड होता है, जबकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में लिमिटेड कवरेज था और हम उसको फ्री इंश्योरेंस कवरेज दे रहे थे, लिमिटेड कवरेज। यहां पर अप टू फुल सम इंश्योर्ड कवरेज दिया जाएगा सब्जेक्टेड टू प्रीमियम, प्रीमियम देना होगा, प्रीमियम नॉट फॉर द होल ईयर बट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी पीरियड के बचे हुए पीरियड के लिए आपको जो प्रीमियम लगेगा उतना ही देना होगा। न्यूली मिड टर्म एडिशन इज अलाउड फॉर न्यूली मैरिड स्पाउस, मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज ऑल्सो अलाउड। आपको दोनों के लिए रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड के लिए प्रीमियम चार्ज होगा। इंटीमेशन ऑफ मैरिज एंड न्यू बॉर्न बेबी शुड बी गिवन विद इन 60 डेज ऑफ द इवेंट, इवेंट इन द सेंस मैरिज और बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यदि आपने 60 डेज में नोटिस नहीं दिया है तो दैट इंडोर्समेंट कैनॉट बी डन फॉर दिस ईयर, यू हैव टू एड द न्यूली मैरिड स्पाउस और न्यू बॉर्न बेबी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। आई बात समझ में? मान लीजिए नवंबर में किसी की शादी हुई थी और आज वो आके बोलता है मेरा न्यूली मैरिड वाइफ को मेरे पॉलिसी में मिड टर्म में एड कर दो, तो दिस कैनॉट बी डन बिकॉज ही हैज फेल्ड टू गिव इंटीमेशन विद इन 60 डेज ऑफ द पॉलिसी। इसी प्रकार बच्चे का भी आपको इसके अंदर इंटीमेशन देना होगा 60 डेज के अंदर। यदि आप इसके अंदर नहीं दे पा रहे हैं यदि इंटीमेशन, तो डेफिनेटली आपका जो एडिशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी है वो नहीं किया जा सकेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में न्यू बॉर्न बेबी को और न्यूली मैरिड स्पाउस को ऐड करना है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर करना होगा। कवर स्टार्ट होगा पेमेंट करने के बाद में अप टू फुल सम इंश्योर्ड, पेमेंट करने के बाद में फुल सम इंश्योर्ड भी कवर किया जाएगा, अप टू फुल सम इंश्योर्ड एंड दैट इज से चाइल्ड 91 डेज, क्योंकि एंट्री एज इज 91 डेज। यहां पर न्यू बॉर्न बेबी का भी कवर दिया जा रहा है इस पॉलिसी में, न्यू बॉर्न बेबी कवर मतलब पैदा होते ही बच्चे को कवरेज देना। ये किस प्रकार होता है देखो, इसमें हमें ना एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन लिमिट उसको दे रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन हॉस्पिटल फॉर न्यू बॉर्न बेबी फॉर एनी डिसीज इंक्लूडिंग कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑल्सो। ये 5 लाख से 25 लाख तक के पॉलिसी के लिए 1 लाख रुपया और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी के लिए 2 लाख रुपया होता है। ओके, इसमें अप टू दिस एक्सपेंसेस न्यू बॉर्न बेबी का किया जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी का कवर के लिए पॉलिसी शुड बी इन फोर्स एंड डिलीवरी क्लेम शुड बी एडमिसिबल।
आपको जानते ही हैं कि डिलीवरी क्लेम 2 साल के बाद एडमिसिबल होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। तो इन दैट केस यदि 2 साल के बाद डिलीवरी क्लेम है और उसमें बच्चा पैदा हुआ है तो दैट न्यूबॉर्न बेबी कवर विल बी गिवन और एडिशन कैन बी गिवन। न्यूबॉर्न बेबी का डेफिनेशन समझ लीजिए। न्यूबॉर्न बेबी मीन्स बेबी बॉर्न ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड एंड इज एज्ड अप टू 15 डेज। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी कवर है दिस विल बी वैलिड फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ बर्थ। ओके, न्यूबॉर्न बेबी मीन्स द एज्ड अप टू 15 डेज। ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इस प्रकार से एडिशन होता है और न्यूबॉर्न बेबी कवर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी की। यहां पर भी आपको मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यूबॉर्न बेबी इज अलाउड विथ एडिशनल प्रीमियम। आपको एडिशनल प्रीमियम देना होगा, उसी से आपको ये अलाउ किया जाएगा। यहां पर आपको इंटीमेशन देना है मैरिज का। इंटीमेशन ऑफ द मैरिज शुड बी गिवन विद इन 45 डेज ऑफ द मैरिज। 45 दिन के अंदर आपको मैरिज का इंटीमेशन देना है। कॉम्प्रिहेंसिव 60 डेज मांग रहा था, यहां पर आपको 45 दिन के अंदर देना। यदि आपने 45 दिन के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया तो आप ये देख लीजिए कि एडिशन विल बी डन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ओके, इसी प्रकार न्यूबॉर्न बेबी का भी इंटीमेशन आपको देना होता है। न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड इज एज्ड अप टू 90 डेज, उसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। यहां पर आपको न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज नहीं मिल रहा, न्यूबॉर्न बेबी का, बट आप जब एड कर ले रहे हैं बच्चे को तो उसके बाद बच्चे का 91st डे से उस पॉलिसी पीरियड में फुल सम इंश्योर्ड तक का कवरेज दिया जाए। करेक्ट, आपने इंटीमेशन दिया है और इसका इंडोर्समेंट किया जा चुका है पॉलिसी में तो आपको यह कवर वैलिड है। इफ यू हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड, किसी ने समझो बच्चे को गोद लिया है, तो ऐसे बच्चे को भी लीगल प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन कंप्लीट होने के बाद ऐड किया जा सकता है। उसका प्रोसीजर होने के 45 डेज के अंदर उसको नोटिस देना होगा, नोटिस इन द सेंस इंटीमेशन देना होगा, एंड 45 डेज के बाद में बच्चे का कवरेज यहां पर शुरू हो जाएगा। दिस इज अबाउट द लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। यहां पर भी आपको प्रपोजल फॉर्म भर के उसके साथ में आपका डिक्लेरेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। दिस हैज टू बी डन ऑफलाइन, आप ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है टीम रवि पारिक एट TRP TV पर। आप YouTube चैनल देखिए, इसमें आपको सारे ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगे। आप अभी तक मेरे ख्याल से 170 वीडियोस वहां पर हैं जो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बनाए गए हैं, और आप उन सब वीडियोज का अच्छी तरह से रिविजन के लिए, लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस हियर। दिस इज अवर क्वेश्चन आंसर सेशन। लेट्स हैव ओपन डिस्कशन।